ज्ञान बुलेटिन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्य के बारे में बताएंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर धन के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान में सबसे धनवान भगवान बालाजी हैं। एक आंकड़े के अनुसार बालाजी मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है। लेकिन इतने धनवान होने पर भी बालाजी आखिर क्यों गरीब हैं? इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा होने पर भी भगवान कैसे गरीब हो सकते हैं। और दूसरा सवाल यह भी आपके मन में उठ सकता है कि जो सबकी मनोकामना पूरी करता हो वह खुद कैसे गरीब हो सकता है। लेकिन तिरुपति बालाजी के बारे में ऐसी प्राचीन कथा है जिसके अनुसार बालाजी कलयुग के अंत तक कर्ज में रहेंगे। बालाजी के ऊपर जो कर्ज है उसी कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ भक्त सोना और बहुमूल्य धातु एवं धन दान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्ज में डूबा व्यक्ति के पास कितना भी धन हो वह गरीब ही होता है। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है कि धनवान होकर भी गरीब है बालाजी। आखिर कर्ज में क्यों डूबे तिरुपति बालाजी? प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृंगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष सैया पर योग निंद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृंगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु को इतना कहते ही भृंगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, प्रभु आप सबसे सहनशील देवता हैं, इसलिए यज्ञ भाग में प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी को भृंगु ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह विष्णु जी से नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृंगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की एक कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे देवी ने स्वीकार लिया। लेकिन प्रश्न सामने ये आया कि विवाह के लिए धन आएगा कहाँ से? विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर से काफी धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती से विवाह किया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह सारा धन चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वह सूद चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाए। भक्तों से मिले दान की बदौलत आज यह मंदिर 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।